यस हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ उसको बोलते हैं विजडम टीथ और थर्ड मोलर्स। दे कम एट अ टाइम कॉल्ड द एज ऑफ विजडम, जब बुद्धिमता आती है, बिटवीन 17 से 25 साल, और सबसे लास्ट दांत होते हैं इरप्शन होने के लिए। बैक ऑफ द माउथ में रहते हैं, कई बार जगह नहीं होती है प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, तो और बड़े डिफरेंट एंगल्स पे आते हैं दांत, कभी हॉरिजॉन्टली कभी वर्टिकली, और कई बार ये ट्रैप्ड हो जाते हैं गम्स के अंदर, कई बार पूरे इरप्ट नहीं होते, और उसके लिए पेशेंट को कई बार बहुत दिक्कत होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कभी ट्यूमर बन सकता है, डैमेज जो साथ वाला दांत होता है जो सेकेंड मोलर होता है वो डैमेज हो जाता है, पेन रहता है पेशेंट को च्यूइंग बाइटिंग में, और ओपनिंग जब मुंह खोलता है तब पेन रहता है, हेडेक रहता है और मुंह से बदबू आती है, और काफ़ी डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट में। सोलन लिम्फ नोड इन द नेक बहुत कॉमन होता है, तो इसके लिए आपको पोजीशन चेक करने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो मॉनिटर करेगा आपका डेंटिस्ट कि वो विजडम टूथ को निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। तो इसके लिए CBCT एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वो बताएगा कि जो दांत का इरप्शन है वो किस लेवल पे जाएगा, बकली है या लिंगुली है। ऐसे एक अंदाजे से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, कभी कभी निकालने के टाइम पे पैरासीसिया हो जाता है, तो इसके लिए ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो स्पेशलिस्ट होता है आपको उसको विजिट करना चाहिए, और पीजो सर्जरी यूनिट्स होती हैं जिसमें ट्रॉमा कम होता है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए विजडम टूथ के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नया टॉपिक कल मैं लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे बेल आइकॉन दबाइए, और कल एक और नया टॉपिक और छोटा सा ज्ञान आपको दूंगा 2 मिनट का। थैंक यू।